स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपन जो है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पेपर में आपको अपन सिंपल टिश्यू अपन ने स्टार्ट किया था, सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में जो कल सिंपल टिश्यू होते हैं तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कल अपन ने बात की थी, आज अपन बात करते हैं कोलेन्काइमा की। इसकी कोलेन्काइमा की बात करते हैं, तो जो कोलेन्काइमा है, कोलेन्काइमा ये भी जो अगर अपन इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन यानी इनका जो उद्भव है वो किससे होता, मेनली ग्राउंड टिश्यू से। तो जो ओलेंकाइमा सेल्स टिश्यू है, जिसकी जो सेल्स है इनका ओरिजिन या उद्भव जो है मेनली किससे होता है, ग्राउंड टिश्यू से होता है। लेकिन कुछ जो प्लांट है उनमें इसका प्रोकैम्बियम से भी इसका ओरिजिन होता है, इसका पोलेन्काइमा। फिर जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन या जो इनका वितरण है, इनका इन पोलेन्काइमा सेल्स का वितरण वो लगभग रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट। तो रूट की अगर अपन बात करें तो वैसे तो रूट में जो कोलेन्काइमा अब्सेंट पाई जाती है, लेकिन जो एरियल रूट होती है, एरियल रूट उनमें कोलेन्काइमा पाई जाती है। और स्टेम जो मेनली हर्बेसियस स्टेम है, हर्बेसियस सिस्टम या जो शाखीय पौधे हैं उनमें जो डाइपोड यानी डाइपोड प्लांट उनमें जो है पोलेन्काइमा पाया जाता है। फिर अगर अपन लीफ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन इनका वितरण लीफ में, लीफ के जो भिन्न भाग है, इन पार्ट के अपर और लोअर रीजन, अपर और लोअर रीजन में जो है कोलेन्काइमा पाया जाता है। इसके अलावा जो इसके मार्जिन भाग है, मार्जिन में कोलेन्काइमा पाया जाता है। तो यहाँ कोलेन्काइमा पाए जाने के कारण लीफ में कोलेन्काइमा पाए जाने के कारण ही है तेज हवाओं के जो रेजिस्टेंस है इसमें पाया जाता है इस कोलेन्काइमा के कारण, और लीफ कटती फटती नहीं है। और कुछ प्लांट के रूट में भी जो कोलेन्काइमा पाया जाता है। तो यहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरियल रूट में यानी रूट एरियल रूट और स्टेम जो कि डाइपोड प्लांट का जो अग्रेसिव सिस्टम है उनमें कोलेन्काइमा पाया जाता है। लीफ की जो विंग पार्ट है
उसमें अपर रीजन, लोअर रीजन और जो मार्जिन रीजन है वहां पे कोलेक्टाइमा पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स की, संरचना की। इसकी संरचना कोलेक्टाइमा टिश्यू है, इसकी संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। तो कोलेक्टाइमा की जो संरचना है, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, संरचना, संरचना लगभग पेरेन्काइमा के समान ही पाई जाती है। पेरेन्काइमा के समान ही इसकी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, लेकिन इनकी जो सेल है वो इलोंगेटेड होती है, यानी उनसे ज्यादा लंबी पाई जाती है, इलोंगेटेड होती है और थिक भी पाई जाती है। अब इनमें जो इमैच्योर, इमैच्योर कोलेक्टाइमा सेल है वो तो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, प्रिज्मीय संरचना है वो पाई जाती है। लेकिन जैसे ही अगर कोलेक्टाइमा की सेल जो है मैच्योर हो जाए, मैच्योर सेल्स के जो एंड पार्ट है वो टेपरिंग या कुंडाकार, कुंडाकार पाए जाते हैं। इनके जो एंड है, इनके सेल्स के, मैच्योर सेल्स के कोलेक्टाइमा के जो एंड है वो टेपरिंग कुंडाकार पाए जाते हैं। और अगर इनकी स्ट्रक्चर्स होने के कारण जो है
इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है। और टेंसिल स्ट्रेंथ इस पैक्टिन के कारण मिलती है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो पैक्टिन को अपन इसमें पेक्टोसेल्युलोज भी बोलते हैं। तो इस पेक्टोसेल्युलोज के कारण जो इसकी संरचना है इसकी कोलेंटाइमा की वो तीन प्रकार की देखने को मिलती है। तो इसकी जो संरचना है इसकी कोलेंटाइमा के टाइप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कोलेंटाइमा तीन प्रकार की रेगुलर लेंटुलर और थर्ड ऑफ एंगुलर लेंगुलर लेंगुलर जो इसकी स्ट्रक्चर होगी इसकी कोलेंटाइमा सेल्स की जो लेंगुलर स्ट्रक्चर है इनमें जो सेल वॉल डिपोजिशन है वो रेडियल वॉल की अपेक्षा जो स्पर्श रेखीय भाग है वहां पे उनका डिपोजिशन अधिक देखने को मिलेगा। इसमें लेमिनर को स्पर्श रेखीय भी कहा जाता है स्त्री तो यहां पे जो रेडियल वॉल की अपेक्षा जो स्पर्श शरीर के भाग है उनमें जो सेल वॉल का डिपोजिशन है पैक्टिन का अधिक देखने को मिलता है इसमें लेमिनर टाइप में। अब दूसरी बात करते हैं अपन लेंटुलर टाइप की। जो लेंटुलर टाइप है उनमें क्या होगा जो लेंटुलर कोलेंटाइमा इनमें सेल वॉल में जो डिपोजिशन है वो अधिक होने के कारण जो मध्य भाग में एक गोलाकार कैविटी बन जाती है रेगुलर या गोलीय इसको रिक्तिका या रिक्तीय कोलेंटाइमा भी कहते हैं। तीसरी बात करते हैं अपन एंगुलर कोलेंटाइमा की। तो ये जो एंगुलर कोलेंटाइमा है इनमें सेल्स के एंगल पार्ट वहां पे डिपोजिशन अधिक देखने को मिलता है। एंगुलर पार्ट में डिपोजिशन अधिक देखने को मिलेगा जिन पार्ट पे एंगल दिखाई देंगे वहां पे इनका जो डिपोजिशन है किसका पैक्टिन का अधिक देखने को मिलता है एंगल वाले पार्ट पे। टाइप्स ऑफ कोलेंटाइमा लेमिलर लेंटुलर और एंगुलर। अब इसकी बात करते हैं अपन अगर अपन इनके एग्जांपल की बात करते हैं लेमिलर टाइप की और लेंटुलर टाइप की। लेमिलर टाइप का जो है रेकनेस में और लेंटुलर जो है हमें
तलीम याद, यानी कि जो केलाट्रोपस है, एग्जाम्पल केलाट्रोपिस, ऐसी कलियास जो फैमिली है जिसका मेंबर केलाट्रोपस है, उनमें ये लैंटिनोटाइप की जो कोलेनकाइमा देखने को मिलती है, और एंगुलर टाइप की जो कोलेनकाइमा है वो अपने सोलेनेसी के प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे कि अपना टमाटर है, लाइकोपर्सिकम। तो यहाँ अपन ने ये जो आज कोलेनकाइमा की बात की, तो कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? मेनली जो फंक्शन है वो तो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है सेल्स को। तो आगे का जो है स्प्लेनकाइमा सिंपल टिश्यू के अंतर्गत को अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे, ओके, थैंक्स।